के बाद बड़ी खबर की बात करेंगे। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत हरदा से। हरदा के नौसर गांव में एक कार पेड़ से जा टकराई। कार इतनी ज्यादा रफ्तार में थी कि टक्कर के बाद कार में आग लग गई और कार में सवार चार लोग जिंदा जल गए। टिमरनी थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई, पड़ताल शुरू कर दी गई है। तकरीबन 7 बजे की घटना है। इस कार में सवार सभी लोगों की शिनाख्त हो गई है। अखिलेश, राकेश, शिवानी और आदर्श चौधरी, ये सभी बरकला के चारखेड़ा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। नसरुल्लागंज में ये विवाह समारोह में गए थे, जब लौट रहे थे टायर फट गया, कार बेकाबू हुई और पेड़ से जा टकराई। तत्काल ग्रामीण यहां पर पहुंचे, कार के पीछे का कांच तोड़ा गया, बचाने की कोशिश की गई, लेकिन अफसोस सब नाकाम रहा। लगभग 7 बजे की घटना है ये, और जब इसमें गाड़ी टकराने की आवाज़ आई तो मेरा मकान 500 मीटर की दूरी पर है। जब मैं यहाँ पर देख रहा था कि मकान के वहाँ से, तो इसमें आग लग चुकी थी गाड़ी में। मैं आया तब तक इसमें अंदर तक आग लग चुकी थी। हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की, कोशिश की, देखा उसमें गेट खोलने की कोशिश की, नहीं खुला। फिर हमने पीछे के कांच पत्थर से तोड़ा, लेकिन आग काफ़ी लग चुकी थी और हमारे ऊपर भी आग आने लगी थी, जिस पर पुलिस तत्काल मौके पहुंची और फायर ब्रिगेड को भी बुलाया, लेकिन तब तक कार में काफ़ी तेज आग लग चुकी थी। जो चक्षुदर्शी है उसके अनुसार कार में 4 व्यक्ति मैंने उसमें मौजूद थे, और बाद में जो जिसमें उसके भाई, मृतकों के भाई भी आए हुए हैं, उनने भी 4 लोग होना बताया। लेकिन आरंभिक तौर पर देखने पर 3 बॉडी दिखाई दे रही हैं जो जीवित नहीं है। और अब कोरबा से बड़ी खबर। इसी तरह हादसा कोरबा में भी हुआ, लेकिन यहां पर 2 ट्रक टकरा गए, भीषण टक्कर हुई, गैस सिलेंडर फटा और एक ट्रक देखते ही देखते कागज के टुकड़ों की तरह राख में तब्दील हो गया। ट्रक ड्राइवर और क्लीनर केबिन में फंस गए थे। इन्हें बाहर निकालकर तत्काल कटघोरा अस्पताल भेजा गया है। कटघोरा अंबिकापुर नेशनल हाईवे की ये घटना है। 2 ट्रकों में टक्कर, एक में सिलेंडर रखा हुआ था, आग लग गई और देखते ही देखते ये पूरा ट्रक राख में तब्दील हो गया। और धार में चेतावनी वाली खबर आपको बता दें, एक ढाबे में अवैध तरीके से केमिकल इकट्ठा करके रखा हुआ था, इसमें आग लगी। केमिकल होने की वजह से आग तेजी से फैली और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता पूरा ढाबा जलकर राख हो गया। अवैध तरीके से ढाबे में यह केमिकल रखा गया था, देखते ही देखते इस केमिकल ने आग पकड़ी और पूरा ढाबा इसकी चपेट में आ गया। दमकलें पहुंची, आग पर काबू पाया गया। गुड़ावत गांव की, धार के गुड़ावत गांव की यह पूरी घटना। तो आग लगने की वजह साफ नहीं है, लेकिन चूंकि यहां केमिकल रखा हुआ था, इस केमिकल में आग लगी और देखते ही देखते पूरे ढाबे को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। देखिए तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भीषण भयंकर ये आग थी। लोगों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, सनसनी थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी जैसी स्थिति भी बनी। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि आग लगी कैसे, पर माना यह जा रहा है कि ढाबे में चूंकि लगातार खाना बनाने का काम होता है, यही वजह है कि यहां से निकली चिंगारी की वजह से ये केमिकल तक पहुंची होगी और केमिकल में आग लगने के बाद तेजी से ये फैलती चली गई। बलौदा बाजार से मिल रही है दुखद खबर। तालाब में डूबने से 2 मासूमों की मौत हो गई। नहाने के लिए ये दोनों बच्चियां गई हुई थीं, गहरे पानी में जाने से डूब गई। कोसमंदी गांव की घटना है। तकरीबन 7 साल के आसपास की उम्र दोनों बच्चियों की थी। पलारी थाना पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई है। पलारी थाना पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल भी कर रही है। तालाब में डूबने से 2 मासूम बच्चियों की मौत। और अब दिल्ली से बड़ी खबर, एनआईए की बड़ी रेड, एनआईए की बड़ी दबिश, एनआईए के बड़े एक्शन की खबर।
प्रतिबंधित संगठन पीएफआई और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ ये दबिश दी गई है, रेड मारी गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कर्नाटक, बिहार, केरल, इन राज्यों के तकरीबन 25 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इधर बिहार में एजेंसी ने कटिहार में मोहम्मद नदवी और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। मोहम्मद नदवी का पीएफआई से बहुत पुराना ताल्लुक है। इसके अलावा यूसुफ टोला में भी जांच एजेंसी पहुंची हुई है। तो एनआईए ने यह बड़ी कार्रवाई की है। तीन राज्य अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कर्नाटक, बिहार, केरल, तकरीबन 25 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बिहार से जो जानकारी मिल रही है कटिहार में मोहम्मद नदवी और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। मोहम्मद नदवी और पीएफआई, इनका बहुत पुराना ताल्लुक रहा है। इसके अलावा यूसुफ टोला भी जांच एजेंसी यानी एनआईए की टीम पहुंची है। तो खबर रायगढ़ से, जहां लिव इन मौत के लिव इन में तब्दील हो गया है। लिव इन में रह रही एक युवती की मौत हुई, अब मामला दर्ज किया गया है। खास बात कि यह लड़की दानिश खान नाम के युवक के साथ रिलेशन में थी, लिव इन में थी, प्रेग्नेंट हुई, अबॉर्शन की दवा इसे खिलाई गई, हालत बिगड़ने लगी, आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। अब पेच यह निकल कर आया है कि दानिश शादीशुदा था, लेकिन इस युवती से यह खुद को कुमारा बताकर संबंध रखे हुए था। मेडिकल कॉलेज इलाके में ये दोनों किराए के मकान में रहते थे। जैसे ही युवती को पता चला कि दानिश खान शादीशुदा है, दोनों में लड़ाई होने लगी। आरोपी दानिश को गिरफ्तार कर लिया गया है। गैर इरादतन हत्या का केस अभी तक दर्ज किया गया। हाँ, एक महिला थी और इनके साथ वो रहती थी, करीब 2 साल तक रहे साथ में पति पत्नी के रूप में। फिर वो महिला गर्भवती हो गई थी, तो उसके पति द्वारा ही उसको गर्भपात करने की दवाई दिया गया था और उसमें ही उसकी मृत्यु हो गई थी। लड़की का जो बयान आया था वीडियो के आधार पर, उसमें अपराध पंजीकृत किया गया धारा 304 के तहत थाना चक्रधर नगर में, और आरोपी को भी अरेस्ट किया गया है और उनको जेल माननीय न्यायालय में पेश करेंगे अभी। और अब बात करेंगे मॉडलिंग के नाम पर चलाए जा रहे गोरख धंधे की। रांची में संचालित कंपनी यश मॉडलिंग में काम करने वाली मॉडल है मानवी ने एक वीडियो जारी कर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मॉडल युवती का कहना है कि ये कोई मॉडलिंग कंपनी नहीं है, अश्लीलता का अड्डा है, मॉडलिंग की आड़ में यहां अश्लील काम होते हैं। फिलहाल मुंबई में काम करने वाली इस मॉडल ने संचालक पर अश्लील तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करने के आरोप भी लगाए हैं। तनवीर अख्तर नाम के शख्स पर ब्लैकमेल करते हुए धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का भी आरोप लगा है, और आरोपी ने भी एक वीडियो यानी तनवीर ने भी एक वीडियो जारी किया है सारे आरोपों को खारिज करते हुए। इसमें मैंने एक्टिंग और मॉडलिंग के लिए यश मॉडल्स को ज्वाइन किया, जहां मेरी मुलाकात तनवीर अख्तर खान से हुई। मैंने वहां 1.5 साल काम किया, जिस बीच मुझे बहुत सी मानसिक यातनाओं से गुजरना पड़ा और कभी कभार गाली गलौज भी कर देते थे। इन सब चीज़ों से जब मैं बहुत तंग आ गई तो मैं वहां से किसी तरह निकल कर अपने घर चली गई, और फिर वहां से अपने एक्टिंग और मॉडलिंग को कंटिन्यू करने के लिए मैं मुंबई शिफ्ट हो गई। मेरी कुछ फोटोज को वो गंदी एडिटिंग करके और उसको मिसयूज कर रहा है। यहाँ तक कि मेरे घर वालों को, जिनको मैं जानती हूँ, जो मेरी मदद करने की कोशिश करते हैं, उनको वो उनकी भी फोटोज पोस्ट कर देता है, इधर उधर कुछ भी करता है। वो ये सब चीजें इसीलिए कर रहा है ताकि मैं उसकी बात मान लूं, और वो कहता है कि मुझसे शादी कर लो, और वो मुस्लिम है, वो चाहता है कि मैं हिंदू से मुस्लिम बन जाऊं, उससे शादी कर लूं।
जब मैंने पहली बार पुलिस कंप्लेंट किया था तो उसने खुद अपना कन्फेशन दिया, कोर्ट के थ्रू एफिडेविट बनवा के दिया था, जिसमें कि उसने साफ साफ एक्सेप्ट किया है कि वो मुझे ब्लैकमेल, टॉर्चर और हरास करता आ रहा है, यहाँ तक कि मेरे घर वालों को भी। और अब खबर भोपाल से लगे सलकनपुर की। तो सलकनपुर में आज दिव्य देवी लोक की आधारशिला रखी जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ये आधारशिला रखेंगे, भूमि पूजन करेंगे। उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर निर्माण होना है। 52 शक्तिपीठों से मिट्टी लाई गई है। देवी लोक के निर्माण में तकरीबन 200 करोड़ खर्च होंगे। भव्य देवी लोक, देवी के 9 रूपों, 64 योगिनी को शास्त्रों के रूप में वर्णित कथाओं के साथ साथ आकर्षक तरीके से यहां पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। कैसा दिखेगा ये दिव्य देवी लोक, एक तरफ आप वो तस्वीरें भी देख रहे हैं, 3D मॉडल है ये। महाकाल लोक की तर्ज पर सलकनपुर का देवी लोक बनेगा। मां विजयासन देवी, इसे बिजासन देवी भी आप लोग कहते हैं। सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा सलकनपुर आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, दिव्य देवी लोक, और जैसा ये 3D के ग्राफिक्स में नजर आता है, इससे कहीं ये खूबसूरत होगा और दिव्य होगा। शैलेंद्र, हम में खड़े हैं, यहाँ पर 200 करोड़ के प्रोजेक्ट से बनने वाला जो देवी लोक है उसकी आज आधारशिला रखी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ खुद मौजूद रहेंगे और ये प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में अब महाकाल लोक के बाद सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा और इसके लिए पूरी तैयारियां जोर शोर से चल रही। ये देवी लोक इसलिए कई मामलों में अनूठा होगा, यहाँ पर देवी के जो 9 स्वरूप है और इसके अलावा जो 64 योगिनी के स्वरूप है उन सभी को म्यूरल के जरिए दर्शाया जाएगा। इसके अलावा इस यहाँ पर एक दुर्गा कॉरिडोर बनेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक यहाँ पर सरोवर है, उस सरोवर को भी यहाँ पर पूरा विकसित किया जा रहा है। इसे पूरा इस तरह तर्ज पे विकसित किया जा रहा है कि एक ये पर्यटन का भी और धार्मिक आस्थाओं का एक बड़ा मेलजोल होगा और एक बड़ा पर्यटन केंद्र भी बनेगा, क्योंकि यहाँ जहाँ पर ये सलकनपुर की पहाड़ी है ये 1000 फीट ऊंची है। अब यहाँ पर आधुनिक रोपवे भी लगाए जा रहे हैं, इसके अलावा तमाम तरह की सुविधाओं का इंतजाम किया जा रहा है। तो ये देवी लोक मतलब मध्य प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ा, जैसे महाकाल लोक है उसी तरह का प्रोजेक्ट है और इसको आज आधारशिला रखने का काम आज हो जाएगा। यहाँ पर 52 शक्ति पीठों से मिट्टी लाई गई है। इसके अलावा अलग अलग गांवों से एक एक ईंट गांव के लोगों ने स्वेच्छा से दी है, अब उन ईंटों के साथ उसे काम शुरू किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी शैलेंद्र के जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस वक्त रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है, बड़े बयान की बात करेंगे। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, उनका बयान आया है। चंद्राकर ने कांग्रेस की तुलना राक्षसों से की है। रामायण महोत्सव अरण्य कांड पर आधारित है। भगवान ने राक्षसों की 14,000 सेनाओं का वध किया था। इस चुनाव में कांग्रेस का वध सुनिश्चित है, यह कहना है चंद्राकर का। कांग्रेस इन्हीं राक्षसों के बराबर और इनकी सेना मारी जाएगी। देखिए, रामायण को बार बार ये बोल रहे हैं कि अरण्य कांड पर आधारित होगा। आप लोगों ने मेरा भाषण सुना होगा, तो विधानसभा में मैंने कहा था कि अरण्य कांड के 4 पंक्तियां लिख देते घर के। तो अरण्य कांड में 2 घटनाएं, एक तो भगवान ने उसमें नौधा भक्ति कही छत्तीसगढ़ की भूमि में, लेकिन मारिच, सुबाहु, त्रिसरा, कबंद, विराध जैसे राक्षसों का वध भी हुआ है और उसकी 14,000 सेना भी मरी है छत्तीसगढ़ की धरती पे। तो ये जो कांग्रेसी हैं वो राक्षस हैं। अरण्य कांड पूरा पढ़े नहीं है, इसमें उनका वध सुनिश्चित है। इस चुनाव में मैं जिन राक्षसों का नाम बताया उसी राक्षस के बरोबर है, उनका वध निश्चित है और उनकी पूरी 14,000 सेना मारी जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है।